विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भागदो के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 1261 में से 707 पद खाली हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि जारी है पदों को भरे जाने की प्रक्रिया। कर्मचारियों के भी 2214 में से 668 पद रिक्त हैं। विभिन्न कर्मचारियों के लिखा है कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जारी है और इस पर सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि पदों को भरने के लिए सरकार जो आदेश करती है उसका पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। यहाँ पर कृषि मंत्री ने जवाब भी दिया है, ये लिखा हुआ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में शैक्षणिक संवर्ग के कुल 224 पद सृजित हुआ, 194 पद रिक्त हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में 396 पद सृजित हैं और 204 पद रिक्त हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में 396 पद सृजित हैं और इसमें से 255 पद रिक्त हैं। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में शैक्षणिक संवर्ग के 37 पद रिक्त हैं। सैम हिंगमटम बाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में शैक्षणिक संवर्ग के 119 पद सृजित हैं और 17 पद रिक्त हैं। इस तरह से गैर शैक्षणिक पदों के सृजित व रिक्त पदों का ब्यौरा रखा और वहीं पर अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी दी गई है और कहा है कि लोकसभा चुनावों से पहले कृषि विश्वविद्यालयों में जितने भी पद रिक्त हैं वो भर दिए जाएंगे। अगली सूचना है तदर्थ शिक्षकों की। लिखा, तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के विरोध में DIOS कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन DIOS PN सिंह को सौंपा। संघ के मंडल मंत्री अनुज पांडे और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे, तो इनको बाहर कर दिया गया और इसकी ये मांग कर रहे हैं कि इनको फिर से बहाल किया जाए। और यही मांग कल जो शिक्षकों के नेता हैं मान सिंह, उन्होंने विधानसभा में रखी, विधान परिषद में रखी और सरकार ने इसके बारे में जवाब भी कल दिया है कि इनका क्या होगा। लिखा, कोर्ट के आदेश के तहत हटे तदर्थ शिक्षक। विधान परिषद में मंगलवार को सपा सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव और निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 9 नवम्बर को 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति का मुद्दा उठाया। डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए यह कार्रवाई की गई है। चंदेल ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर यह शिक्षक अब कहां जाएं, पहले से ही शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए नगर विकास व ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थता को बनाए रखने को उचित नहीं बताया है और इन शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में शामिल कराते हुए मौका भी दिया जा चुका है। जो चयनित नहीं हो सके हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हटाया गया है। इसके अलावा बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने कुशी नगर के ग्राम भरवालिया में अनुसूचित जाति के महेश की जमीन, तो तदर्थ शिक्षकों के बारे में सरकार ने स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जितनी पद, ये 2090 जो तदर्थ शिक्षक है इनको वेतन मिल रहा था और जानकारी मिल रही है कि ऐसे बहुत सारे तदर्थ शिक्षक है जिनको वेतन नहीं मिल रहा था और वो अभी भी पढ़ा रहे थे। तो आयोग के गठन के बाद में विद्यार्थी अब मांग करेंगे तेजी से कि ये जितने भी तदर्थ के पद हैं और विधानसभा में जो कहा गया था, जो बयान दिया गया 27,000 पदों के लिए जो पद रिक्त हैं, इन सारे पदों को हमारी या तो पुरानी भर्ती में जोड़ा जाए या इसको लेकर के जल्द से जल्द नया विज्ञापन निकाला जाए। अगली सूचना है एक वैकेंसी की, अतिथि शिक्षक हेतु। ये श्रावस्ती से ये वैकेंसी निकली है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जनजाति सिरसिया श्रावस्ती, प्रवक्ता रसायन विज्ञान की ये भर्ती है। योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि व सरकार द्वारा समकक्ष अर्हता तथा बीएड भी मांगा गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है। तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते, 21 से लेकर के 40 के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं। नीचे एक निर्धारित प्रारूप दिया गया है, उस पर सारा विवरण लिख करके स्पीड पोस्ट के द्वारा या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना है। पता यहाँ पर लिखा है, आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रावस्ती, कलेक्ट्रेट परिसर, कमरा नंबर 47, भिनगा श्रावस्ती, पिन कोड 271831। बिहार से एक वैकेंसी है, SHS बिहार में रोजगार के अवसर, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट आदि पदों पर भर्ती है। 389 पद है यहाँ पर। अधिक जानकारी इस वेबसाइट पर मिलेगी, shs.bihar.gov.in। अगली जो सूचना है वो नर्सिंग भर्ती के पेपर को लेकर के है और अभी हाल ही में KGMU नर्सिंग भर्ती की परीक्षा भी थी और उसके बाद में पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था तो हंगामा हो गया कि पेपर तो विद्यार्थियों को दिया नहीं गया, क्या पेपर आउट हो गया है, बहुत सारी चीजें हुई। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि नर्सिंग भर्ती का पेपर 14 अभ्यर्थी घर ले गए थे। लिखा, ये सभी आगरा के एक केंद्र पर परीक्षा दे रहे थे। बुकलेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी
और केजीएमयू प्रशासन ने परीक्षा केंद्र को काली सूची में डाल दिया। मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। परीक्षा के एक दिन बाद यानी सोमवार सुबह कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद के ईमेल पर बुकलेट व्हाट्सएप पर वायरल होने की शिकायत मिली। कुलपति ने तुरंत एसटीएफ को सूचना दी। बुकलेट की गिनती हुई जिसमें आगरा कॉलेज के लॉ फैकल्टी केंद्र में बुकलेट कम मिली। केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह के मुताबिक परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट के साथ प्रश्न पत्र भी जमा करना था। जांच एजेंसी की सख्ती के बाद में कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र जमा भी कर दिया है। बाकी अभ्यर्थी से प्रश्न पत्र जमा करने को कहा गया है। इस भर्ती के बारे में और भी जानकारियां यहां पर दी गई हैं। जैसे यहां पर लिखा कि परिणाम इसी सप्ताह। डॉक्टर सुधीर ने कहा कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह के अंत तक आने की उम्मीद है। उसके बाद शैक्षिक व अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच होगी, फिर नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 1200 पदों के लिए 55,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और 10,000 शामिल नहीं हुए। आगरा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ में 134 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं पर नए आयोग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो चयन बोर्ड में पहले से कर्मचारी नियुक्त हैं वही कर्मचारी काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी स्थायी कर्मचारी आगे इस सेवा चयन आयोग में सेवाएं देंगे। जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी बात हो रही है, बाकी तो बहुत सारे जो लोग हैं वो नए नियुक्त होंगे, जैसे उप सचिव आदि और सदस्य अध्यक्ष तो नए नियुक्त होंगे ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा। लिखा है यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। सर्च कमेटी योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी सदस्यों और अध्यक्ष की। यह सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यही नहीं, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी स्थायी कर्मचारी आगे इस सेवा चयन आयोग में अपनी सेवाएं देंगे। अगली सूचना है एएसओ वैकेंसी को लेकर के, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी गए थे और उन्होंने डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी और ये वहां से जवाब आया है, लेकिन जो डिप्टी सीएम है उनके यहाँ से तुरंत कार्मिक विभाग को फोन किया गया था, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, धीरेन्द्र कुमार सिंह और रवि इत्यादि। आपको बता दूं कि ये जो विद्यार्थी हैं ये 2019 एएसओ के विद्यार्थी हैं जो लखनऊ के इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इन विद्यार्थियों ने भेजा है, लिखा है, पिछले दिन 27 नवंबर 2023 को रवि और धीरेन्द्र भाई ने उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात की। उन्होंने तत्काल कार्मिक विभाग के सक्षम अधिकारी से फोन पर सामने ही बातचीत कर एएसओ एआरओ 2019 के मैटर से अवगत कराया। आज 28 नवंबर 2023 को धीरेन्द्र भाई के मोबाइल पर उपरोक्त संदेश भी आया। श्री केशव प्रसाद मौर्य के ई शिकायत अनुसरण प्रणाली के माध्यम से मामले को प्रमुख सचिव नियुक्ति को आवश्यक निर्देश के साथ प्रेषित भी कर दिया गया। तो विद्यार्थी सारे प्रयास कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं तो दूसरी तरफ मंत्री नेताओं इत्यादि से भी मिल रहे हैं। और जो जानकारी निकल करके आ रही कि वास्तव में धीरे धीरे इन विद्यार्थियों जो दबाव है वो आयोग पर पड़ रहा है, सरकार पर भी पड़ रहा है। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो को अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।